लगी है उसका रुख कर लेते हैं। बीमा बिल को लेकर जो सर्वदलीय बैठक आज होनी थी वो बैठक टल गई है। परसों भी बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही थी। उसके बाद आज फिर से सर्वदलीय बैठक होनी थी क्योंकि बीमा बिल में जो संशोधन है उसको लेकर सभी पार्टियां सहमत नहीं है सरकार के रुख से जो प्रस्ताव सरकार ने रखा है, और अब ये बैठक फिर से टल गई है। राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, क्या वजह थी जो ये बैठक टल गई है? आप किस तरह से जो तमाम दल हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी? क्या अलग अलग सभी दलों से मिला जाएगा? देखिए तानिया, बीमा विधेयक जो है एनडीए सरकार के लिए एक अहम बिल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब अमेरिका दौरे पर जाना चाहते हैं तो उस समय तक इस बिल को क्लियर कराना चाहते हैं, पास कराना चाहते हैं, ताकि एक संदेश दिया जाए कि भारत जो है आर्थिक सुधार की प्रक्रिया तेज की है। और सबसे खास बात यह कि कांग्रेस इस बिल का लगातार विरोध कर रही है, उसे कर रही कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। साथ ही साथ जेडीयू समाजवादी पार्टी जैसे दल हैं जो चाहते हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, लेकिन सरकार जहां तक राज्यसभा में बात की जाए, क्योंकि राज्यसभा में बिल को इसे पास कराना है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर सरकार के पास नंबर जो गणित है वो सरकार के पक्ष में नहीं है। और सरकार की माने, सरकारी सूत्रों की माने तो आज देर रात तक विपक्ष के जवाब का इंतजार किया जाएगा और कल सरकार फैसला ले सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार का फैसला यही है कि अगर राज्यसभा में जो मुख्य दल हैं अगर सरकार के पक्ष में नंबर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक कर इस बिल को पास कराया जाएगा, ताकि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा पर जाएं तो ये कहने की स्थिति में हो कि आर्थिक प्रक्रिया की जो गाड़ी है उसकी रफ्तार धीमी नहीं हुई है बल्कि तेज हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सीसेट परीक्षा को लेकर जो छात्र आंदोलित हैं तान्या, उसको लेकर सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार इस सत्र में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। साथ ही साथ अगर जहां तक बदलाव की प्रक्रिया है अगले चरण के लिए यानी 2015 के लिए जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी उसमें सरकार कंसल्टेशन करेगी छात्रों के साथ। बिल्कुल, सीसेट वाली खबर पर राकेश आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये थी कि जो सर्वदलीय बैठक होनी थी वो सर्वदलीय बैठक टल गई है बीमा बिल को लेकर। और कौन कौन सी पार्टी समर्थन में है, कौन कौन विरोध में है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी शिवसेना अकाली दल समर्थन में है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट टीएमसी विरोध कर रहे हैं। एआईएडीएमके आईएनएलडी और जैसी पार्टी का अभी रुख साफ नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की एक सहयोगी पार्टी है एनसीपी जो समर्थन कर रही है इस बीमा बिल का। इसके अलावा बीजेडी और टीडीपी भी समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी विरोध में है। राज्यसभा में कुल 242 सांसद हैं, बिल पास कराने के लिए 122 का आंकड़ा सरकार को चाहिए, और अब इस 122 के आंकड़े को जुटाने की कोशिश है। बिल के पक्ष में फिलहाल 68 सांसद नजर आ रहे हैं और विरोध में 133 हैं, और इसीलिए सरकार चाहती थी कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। 41 ऐसे भी हैं जिनका रुख साफ नहीं है। जो पिछली सर्वदलीय बैठक परसों हुई थी उसमें कोई नतीजा नहीं निकला था, उसके बाद आज फिर से होनी थी लेकिन अब ये बैठक टल गई है। तो सरकार चाहती है इस बिल को पास कराना, और ये पूरा मामला बीमा के क्षेत्र में एफडीआई को 26% से बढ़ाकर 49% करने का है, जिसका तमाम दल समर्थन नहीं कर रहे हैं।